ask the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. इसलिए I am nobody. कि मैं आपके पास डायलॉग के लिए आऊं मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैंने सा जे इवें ना थिया तो मैं अलग मैं ना मैंने सा सियासत में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है। मैं शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करें, लेकिन ऑपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा, क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं और मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। मजीद कहा कि आइन को कुछ नहीं होगा, ना हम किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं, अब भी बचाएंगे। मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने के हक में नहीं। ये वो आइन है, 73 का आइन, जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में प्रूव रखा है और क्यामत तक ये प्रूव रखेगा इंशाल्लाह। 50 साल गुजरने के बावजूद मुख्तलिफ औकात में जो तरामीम की गई, खास तौर पर डिक्टेटरशिप के जमाने में जनाब स्पीकर, उसके बावजूद भी ये आइन आज भी जिंदा सलामत है। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में आज बहुत अहम दिन है। मुख्तलिफ अमरीतों का सामना करने के बावजूद आइन आज भी जिंदा है। आइन की गोल्डन जुबली पर वज़ीर आज़म का तमाम कायदीन जमातों और अकीने पार्लिमान को खिराज अकीदत। 50 साल गुजरने के बावजूद आइन में मुख्तलिफ औकात में तरामीम की गई। दस्तूर सियासी अकाबरीन की इज्तमाही बसीरत का निचोड़ है, जान देकर इसकी हिफाजत करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो आइन के मेमार थे और उसके लिए जान देने वाले थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने आइन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। इससे पहले गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत डी चौक इस्लामाबाद में आइन के यादगार का संगे बुनियाद भी रखा गया। जनाबी स्पीकर, इस गोल्डन जुबली पे बहुत जरूरी है कि मैं इस हाउस के रिकॉर्ड पे वो साजिश लेकर आए। वो चाहते हैं कि जहां से हमने मिलके उस तबाही का कहानी रोका था, वहीं से वो फिर से शुरू करें। वो उसी डॉक्ट्रिन के तहत काम करते रहे, वो इस हाउस को अंडरमाइन करे, इस आइन को अंडरमाइन करे, वो सूबे के हकूक को सलब करे, 18वीं तरमीम को खत्म करे, वन यूनिट कायम करे और सिलेक्टेड राज एक बार फिर इस मुल्क में मौजूद। पाकिस्तान में आइन और अदलिया के साथ खेल खेला जा रहा है, ये सब बड़ी गेम का हिस्सा है। वो चाहते हैं सिलेक्टेड को एक बार फिर मुसलत किया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली के ख़ुसूसी इजलास से खिताब। कहा, हम समझते थे तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद हमने साजिश का खात्मा कर दिया, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज भी चल रही है, साजिश में शरीक कुछ लोग अदलिया में मौजूद हैं। हम सब ने मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना है। आपने पहली दफ़ा याद हमें किया तो हम हाज़िर हुए, इसलिए नहीं कि मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साये के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। हम सब आइन के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा का आइन की 50वीं सालगिरह पर कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, अल्लाह के साए के बाद आइन की किताब का साया हमारे ऊपर है। कहा गया था कि ऐवान में सिर्फ आइन की बातें होंगी, लेकिन बहुत सी सियासी बातें की गई जिनसे मैं इत्तफाक नहीं करता। सियासत मेरा मैदान नहीं, कानून मेरा मैदान है। हमारा काम आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसले करना है। अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम भी आइन के मुहासिब हैं, हमने ये हलफ ले रखा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया, ओपोजिशन की हंगामा हराई। दूसरी जानिब इलेक्शन अखराजात से मुतालिक बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश। बहस के लिए बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी फाइनेंस को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली में पेश करने से पहले वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। सेनेट के पास बिल की मंजूरी के लिए 14 रोज होंगे। Thank you.
इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि पार्लियामान ने इस अमल से खुद को आईनी तौर पर अलहदा कर रखा है। सिर्फ वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार है। अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती तो वज़ीर आज़म और काबीना के अराकीन 5 साल के लिए नाअहल होंगे। शहबाज शरीफ आइन से खुली बगावत की राह पर चल पड़े हैं। गुज़श्ता 1 साल का सबक यही है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान अब एक साथ नहीं चल सकते हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में बातचीत, मजीद कहा कि एक तरफ आइन की 50 सालगिरह मनाई जा रही है, दूसरी तरफ उसी आइन की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी आइन बनाने का दावा करती है तो इसे आइन तोड़ने की साजिश में शरीक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हक मांग लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 और 58 में तरावीम तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खतूत तरामीम की पार्लियामेंट से मंजूरी की दरख्वास्त। मुजवजा तरामीम के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक ही रोज कराए जाएं, सेनेट में करारदाद कसरत राय से मंजूर। सिंध असेंबली में भी कौफी असेंबली की तर्ज पर अतलिया के हवाले से करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चेंबर में हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। इमरान खान का SHO आमिर शहजाद की अचानक वफात का बाज़ाब्ता तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा SHO आमिर शहजाद ने वजीराबाद में मुझ पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज किया। इस मंसूबे के पीछे कार फरमा अनासर को बेनकाब करने के हवाले से वो एक करीदी किरदार थे। मुश्तरका तहकीकाती टीम के रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई। अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात बरकरार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अली अमीन गंडापुर को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। जज ने आज इस्लामाबाद से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तमाम मुकदमात की लिस्ट अदालत में जमा करवाने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, मुझे शक है आज अली अमीन गंडापुर का जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ तो दीगर शहरों में मुकदमात ना दर्ज हुए जाएँ। इमरान खान की तोशाखाना केस में कल सेशन कोर्ट तलबी नोटिस जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का चेयरमैन PTI इमरान खान को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने भी कल इमरान खान को 5 मुकदमात में तलब कर लिया। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पेश होने का नोटिस जारी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में 12 अप्रैल को CPO ऑफिस तलब कर लिया गया। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी दफात के तहत 6 मुकदमा दर्ज हैं।